Now, let us discuss problem number 14. Almost अब हम Newton's law of friction के finishing पर आ रहे हैं और problem का level भी अब बहुत ही अच्छा start हो रहा है जो 14th problem मुझे दिख रहा है. That is a problem at very good level. इस तरह के problem यदि आप सॉल्व कर सके स्वयं से तो आप जेई में टॉप 100 में आएंगे अवश्य. देखिए इस तरह से एक वर्टिकल वॉल और हॉरिजॉन्टल सरफेस इस पर रखा हुआ यह कोई इंक्लाइन प्लेन कोई एंगल अल्फा और इधर से इस तरीके से बंधा हुआ इधर कोई ऐसे पुली इमेजिन कर सकते हैं और इधर से एक पार्टिकल बंधा हुआ अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल रोप रेस्ट ऑन स्टेशनरी वेज फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा With horizontal one end of the rope is attached to a wall at fixed point A. This wall at fixed point A. A small load is attached to a rope at point B. If wedge is made to move toward right with a constant acceleration A, what would be the acceleration of load when it is still On the wedge. अब इधर तो सिर्फ एक्सीलरेशन ही पूछा गया है यदि हम इसको ए से एक्सीलरेट ऐसे करते हैं सिर्फ एक्सीलरेशन पूछा गया है नहीं इतना डिफिकल्ट नहीं है ये क्योंकि सिर्फ एक्सीलरेशन ही पूछा गया यदि पूरा पूरा सॉल्व करने के लिए देते तो एक अलग ही बात बनती अब जरा देखिए यदि इस वेज का एक्सीलरेशन ए है इस तरफ तो इसके ऊपर रखे हुए इस मास का एक्सीलरेशन पूछा है हम कहेंगे यह मास इसके ऊपर की तरफ जाएगा ए एक्सीलरेशन से क्योंकि रस्सी इधर से ए से बढ़ेगी और लोड के साथ में यह एक्सीलरेशन ए इस तरफ भी होगा दो एक्सीलरेशन होंगे यह एक्सीलरेशन तो अल्फा एंगल पर इधर इस तरीके से दो एक्सीलरेशन होंगे जब यह वेज ए एक्सीलरेशन से इस तरफ जा रहा है तो यह रस्सी इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए से बढ़ती जा रही है तो ये इंक्लाइन प्लेन पर रस्सी ए से कम होती जाएगी तो ए एक्सीलरेशन तो इस तरफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ और इंक्लाइन प्लेन के साथ साथ ए एक्सीलरेशन इस तरफ दोनों का मैग्नीट्यूड ए और दोनों के बीच में जो एंगल होएगा दिस इज 180 माइनस अल्फा तो मैं एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट बी जो कहूंगा That is under root of a square plus 2 into a cos of 180 minus alpha. And this is the direction. This problem ko यदि और आगे बढ़ा दिया जाता और पूछा जाता कि एक्सीलरेशन ए की वैल्यू डिटरमाइन कीजिए तो हम कुछ इस तरह से करते मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं इसका मास में कैपिटल एम लिख देता हूं इसका मास में स्मॉल एम लिख देता हूं अब इस कंडीशन में हम क्या करते इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम अलग बनाते इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम मैं इधर बना देता हूं ब्लॉक बी का इसके एक्सीलरेशन को इंडिकेट कर देता हूं
ए और इधर ए, although acceleration की direction जरूर opposite होती, इधर इन्हें जो बना रखा है acceleration ए इस तरफ बना रखा है, freely यदि छोड़ते तो यह इस तरफ जाता और यह ऐसे नीचे की तरफ, यदि हम freely छोड़ते तब अभी तो सिर्फ हमने यही बात पूछी इट सीम्स। फ्रीली छोड़ने पर एक्सीलरेशन ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होते और फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया जाता। एम बी इंटू जी नॉर्मल रिएक्शन एन बी, यह एक फ्री बॉडी डायग्राम होता सॉरी एम बी इंटू जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम बनाएंगे एम बी इंटू जी और इसे रिजॉल्व करके हम दो कंपोनेंट लिखते एम बी इंटू जी कॉस अल्फा एम बी इंटू जी साइन अल्फा और एन बी और टेंशन टी इस तरह से हम लिखते और दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम हम इस तरह से बनाते अल्फा इस पर यह इसी तरह से और यह पूरा का पूरा सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम में लेते और इसका एक्सीलरेशन हम ए ऐसे इंडिकेट जो भी कुछ एक्सीलरेशन है वह ऐसे इंडिकेट कर देते इसका ए और इस तरह से ए यह हम इंडिकेट करते और फिर हम इधर टेंशन टी दिखाते इधर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी और नॉर्मल रिएक्शन एन और यह सब इंटरनल फोर्सेस हो जाती। इस तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्रीली मूविंग कंडीशन में एक्सीलरेशन इनफैक्ट इसका इस तरफ नहीं अपोजिट डायरेक्शन में होता और ये सारे एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते बट मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका इधर बताया। इस तरीके से सिचुएशन को हम सॉल्व करेंगे। राइट नाउ जो ने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर तो बस यही है। अब हम 16th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए बस। Let us start discussing the 16th problem. देखिए 16th और 19th problem मैंने देखे हैं। इस स्टेज पर एकदम से आपसे यह प्रॉब्लम नहीं बने तो इनकी एक साफ-सी वजह है। 16th प्रॉब्लम के लिए तो आपको कैलकुलस का एक बहुत सॉलिड नॉलेज चाहिए ही। 12th के बाद ही इस तरह का प्रॉब्लम आप कर पाओगे। 11th स्टैंडर्ड में रहते हुए इस तरह का प्रॉब्लम कर पाना नामुमकिन होता है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और 12th के बाद आप इस प्रॉब्लम को जरूर कर लेते हो। और 19th प्रॉब्लम जब मैंने देखा है तो मैं यह पाता हूं कि वंस अगेन वहां पर एक तो सर्कुलर मोशन जो अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नॉलेज भी चाहिए और साथ में थोड़ा कैलकुलस का नॉलेज भी। एनीवे 16th प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि प्रॉब्लम पूछा गया है। पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन अ सर्टन प्लेन ड्यू टू फोर्स एफ। यह कोई पार्टिकल है और इस पर यह फोर्स एफ लग रहा है। हुज मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट एंड हुज डायरेक्शन रोटेट विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन दैट प्लेन। अब ये फोर्स एफ जो है यह कॉन्स्टेंटली रोटेट होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ।
इसका मतलब किसी भी समय पर यह पॉइंट पी कहीं इधर होगा और उस समय पर इस पर फोर्स, मैं कहता हूं आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टी टाइम, और उस समय पर यह फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा होगा और यह फोर्स रोटेट कर गया है एंगल थीटा से, वेयर दिस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। एट मोमेंट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, दिस एट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इज जीरो। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव स्टॉप्स। देखिए, दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी यह जो फोर्स एफ है, दिस फोर्स एफ, इट कैन बी रिजॉल्व्ड, हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे इनिशियली फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस बोल देता हूं, फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एंड आफ्टर टाइम टी दिस फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस एंड 90 माइनस थीटा विद वाई एक्सिस। सो फोर्स आफ्टर टाइम टी कैन बी डन एज एफ कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस एफ साइन थीटा इंटू जे कैप। हम यह फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स एफ, कॉस कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, साइन कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब मैं कहता हूं एक्सीलरेशन एट एनी टाइम वुड बी एफ बाय एम कॉस थीटा इंटू आई कैप एफ बाय एम साइन थीटा इंटू जे कैप, और थीटा की जगह मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं। सो दिस एक्सीलरेशन विच इज डी वी बाय डी टी इज एफ बाय एम कॉस ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप। हम फोर्स इस तरह से लिख सकते हैं और फोर्स से एक्सीलरेशन इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम कहते हैं डीवी, डीवी इज इक्वल टू एफ बाय एम कॉस ओमेगा टी डी टी इंटू आई कैप प्लस एफ बाय एम साइन ओमेगा टी डी टी इंटू जे कैप। डी टी ऊपर ले गया। नाउ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वेलोसिटी आई इंटीग्रेट डी वी ओवर जीरो टू वी, और इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करता हूं एफ बाय एम, तो थ्रू आउट कॉमन है कॉस ओमेगा टी डी टी ओवर जीरो टू टी इंटू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी डी टी इंटू जे कैप, और इस तरीके से मैं इंटीग्रेट करके फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं। कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा, साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा फ्रॉम जीरो टू टी, प्लस साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा फ्रॉम जीरो टू टी।
here I cap and here J cap. So this gives me the expression for velocity F by M omega, and here sine omega t I cap plus here 1 minus cos omega t J cap. This is the expression for velocity in terms of I cap and J cap. And now they had asked the magnitude of velocity. They have asked the magnitude of velocity as a function of time and distance between the particles, between the two stops. Now, magnitude of velocity mein kaise likhunga? I cap or J cap ka? Magnitude of velocity F by M omega under root of sine omega t whole square plus 1 minus cos omega t whole square, or this would give me F by M omega under root of sin omega t is whole square, cos omega t whole square is 1 plus 1 minus 2 cos omega t, or the magnitude of velocity is F by M omega under root of 2 into 1 minus cos omega t, or this is F by M omega, F by M omega under root of 2 into 1 minus cos omega t is 2 sine square omega t by 2. So the magnitude of velocity comes out to be 2 F by M omega sine omega t by 2. This is the final, this is the answer to the first part. The answer to the first part. This is the magnitude of velocity or the magnitude of speed, or isse main ds by dt bhi kahunga. ds by dt bhi kahunga. पहले इसी पार्ट को नोट डाउन ध्यान से कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो अगला पार्ट में करने वाला हूं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल बिटवीन द टू स्टॉप्स वो डिटरमाइन करूंगा. ये तो मैंने वेलोसिटी, पहले तो फोर्स रोटेट कर रही है टी टाइम के बाद, वो थीटा एंगल से रोटेट कर गई, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी. फोर्स की कुछ ऐसी पोजिशन हो जाएगी, रोटेट करते हुए पार्टिकल भी कहीं कुछ इस तरह से मूव कर जाएगा, यह पार्टिकल इस तरह से कुछ मूव कर रहा है और मूव करते हुए कहीं इधर आ गया, और फोर्स की यह डायरेक्शन हो गई एंगल थीटा के साथ एक्स एक्सिस से, टी इक्वल टू जीरो पर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लिया, टी टाइम के बाद फोर्स का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट को i कैप, y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट को j कैप. एक्सीलरेशन लिखा फोर्स अपॉन मास, cos थीटा इनटू i कैप, sin थीटा इनटू j कैप, थीटा की जगह ओमेगा t लिख दिया, और इस तरह से एक्सीलरेशन के लिए एक्सप्रेशन, ये एक्सीलरेशन वेक्टर हुआ i कैप और j कैप के टर्म्स में. एक्सीलरेशन को dv / dt लिखा और dt को ऊपर ले गया, तो dv वेक्टर जो हुआ दैट इज दिस. dv वेक्टर को इंटीग्रेट किया 0 से v तक, 0 से t तक, तो वेलोसिटी as a function of time आ गया. This is the expression for velocity vector as a function of time. Magnitude of velocity मैंने determine कर लिया, I cap और J cap component का square करके add करते हुए, फिर under root लेते हुए. This is the magnitude of velocity. और magnitude of velocity को ds by dt लिख दिया. Here ds is the distance or distance traveled during time dt. पहले इसे note down कीजिए. अब मैं इसी का second part कराऊंगा. Distance traveled between the two stops. पहले इसे ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए.
Now, अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ अननेसेसरी स्टेप्स को साफ करूंगा क्योंकि आई नीड सम स्पेस ऑन द बोर्ड. पहले तो मैं दो स्टॉप की कंडीशन इधर लिख देता हूं. इट स्टॉप्स इफ वेलोसिटी इज जीरो. जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तब वह स्टॉप करेगा. तो एक तो टी इक्वल टू जीरो पर होगा, टी वन इक्वल टू जीरो और टी टू इज इक्वल टू. अगला वेलोसिटी जीरो कब होगी, एक टी इक्वल टू जीरो पर साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हुआ. और अगला व्हेन ओमेगा टी बाय टू इज पाई, व्हेन ओमेगा टी बाय टू इज पाई. और हम कहेंगे ओमेगा टी बाय टू इज पाई और ओमेगा टी इज टू पाई और T2 is 2 pi by omega. This are the time of two consecutive stops. It stops if velocity is 0. So T1 equal to 0 par, uski velocity 0 hogi aur T2 equal to 2 pi by omega par, iski velocity 0 hogi. Logic ko ek baar samjhe. वेलोसिटी जीरो स्टॉप करने के लिए वेलोसिटी जीरो करना है. वेलोसिटी जीरो करी तो साइन ओमेगा टी बाय टू की वैल्यू जीरो होना चाहिए. साइन ओमेगा टी बाय टू की वैल्यू जीरो दो कंडीशन में होगी, दो कॉन्सिक्यूटिव कंडीशन में होगी. एक तो टी की वैल्यू भी जीरो हो जाए, टी की वैल्यू जीरो हुई तो ओमेगा टी बाय टू जीरो हो जाएगा और साइन जीरो इज जीरो. और दूसरा व्हेन ओमेगा टी बाय टू इज इक्वल टू टू पाई, जब ओमेगा टी बाय टू इक्वल टू टू पाई होगा. मैं इधर लिख देता हूं ओमेगा टी बाय टू इक्वल टू टू पाई और सॉरी पाई, दिस अनदर कंसेक्यूटिव कंडीशन. सो ओमेगा टी इक्वल टू टू पाई और टी इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा. दिस आर द टू कंसेक्यूटिव कंडीशन फॉर द स्टॉप. अब मैं क्या करता हूं, मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द टू स्टॉप्स निकालना है. मैं आसानी से निकाल सकता हूं कुछ इस तरीके से. ds by dt इक्वल टू दिस, तो मैं लिखता हूं ds इज इक्वल टू 2f by m omega into sin omega t by 2 into dt. मैं इस तरह से रीअरेंज कर देता हूं और अब इसे इंटीग्रेट कर देता हूं s निकालने के लिए. इंटीग्रल ऑफ ds 2f by m omega इंटीग्रल ऑफ sin omega t by 2 into dt from 0 to 2 pi by omega. इस तरीके से इंटीग्रेट कर दिया जाए. अब मैं इसके इंटीग्रल की वैल्यू लिख देता हूं. 2f by m omega तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा. साइन ओमेगा का होएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय टू अपॉन ओमेगा बाय टू फ्रॉम जीरो टू टू पाई बाय ओमेगा. और अब मैं फाइनल आंसर लिखता हूं टू एफ बाय एम ओमेगा. यह तो बाहर है ही, 2 by omega और दिखने लगा और इधर मैं लिखूंगा cos 0 minus of cos of omega by 2 into 2 pi by omega. So this becomes 2f by m omega into 4 by omega square into 4 by omega square into cos 0 is 1, 1 minus of minus 1. So this S finally comes out to be, distance between two stops comes out to be 1 minus 2, 8f by m omega square. This is
the distance traveled between the two consecutive stops, and this is the velocity expression, or the expression for speed as a function of time. But dhyan se note down kijiye, this is the condition of two stops, speed ki jagah ds by dt, ds equal to this expression, or for ds ko integrate kar diya in order to get s. Ise note down kijiye. Ab main last problem is chapter ka karunga, and with that last problem I'll declare the finish of this chapter, Newton's law and friction. 16th note down kijiye, 19th karunga iske baad. Now let us solve the last problem of the chapter. Dekhiye, although jo doubts aapne puche maine wah sare sare discuss kara diye hain, aur abhi bhi is package mein main kai sare bahut acche acche sawal dekh raha hu, aur mujhe aisa lagta hai aapne wo doubts puche nahi hain magar puchna chahiye the. Koi baat nahi, ab फिर भी मैंने इतने प्रॉब्लम डिस्कस करा दिए, देयर सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. अब इसके बाद यदि आप अभी तक अटेम्प्ट कुछ नहीं कर पाए हो तो अटेम्प्ट करो, बन जाने चाहिए प्रॉब्लम्स. मैंने कुछ 25-30 सवाल तो डिस्कस करा दिए, और जो 19th प्रॉब्लम है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इस लेवल पर इसको सॉल्व कर पाओगे अंटिल अनलेस आपने सर्कुलर मोशन चैप्टर नहीं पढ़ा है. सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ने के बाद ही ये सॉल्व कर पाओगे, ऑल्दो इस पैकेज में पहले से ही आ गया है. A metallic chain whose length is L. यह एक metallic chain है, its length is L. इस तरीके से किसी circular drum के चारों तरफ, this length is L, whose ends are joined together, is fitted into a wooden disc as shown. The disc rotate with speed of n revolution per second. Find tension T. देखिए, सबसे पहले, if length is L, this L is equal to 2 pi r, और radius is equal to L upon 2 pi. If n is revolution per second, then omega is 2 pi into n radian per second. अब हम क्या करते हैं, इस चेन का मास m ले लेते हैं, तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा m by l. अब मैं क्या करता हूं, एक स्मॉल एंगल थीटा लेता हूं, और इस स्मॉल एंगल थीटा सबटेंड करते हुए यह चेन ले लेता हूं. दिस इज द चेन, एंड इट्स सबटेंडिंग सम स्मॉल एंगल थीटा. दिस इज स्मॉल एंगल थीटा. इसका मास होएगा स्मॉल m, वेयर दिस स्मॉल m वुड बी इक्वल टू m बाय l इनटू, इसका लेंथ होएगा r d थीटा, r इनटू थीटा, r इनटू थीटा. मैंने थीटा एंगल सबटेंड करते हुए लिया है r इंटू थीटा, हियर आल्सो r इंटू थीटा. r की जगह पर मैं यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, m बाय l इंटू r की जगह पर l बाय 2 पाई इंटू थीटा,
L से L cancelled. So this mass m is equal to m by 2 pi into theta. अब हम कहते हैं इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, और जब यह ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर r. अब हम इस टेंशन T को रिजॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, यह कंपोनेंट और यह कंपोनेंट, दिस इज थीटा बाय 2, दिस T cos थीटा बाय 2, दिस T sin थीटा बाय 2. इसी तरह से इधर यह कंपोनेंट और यह कंपोनेंट, T sin थीटा बाय 2, T cos थीटा बाय 2. T cos theta by 2 टर्म तो ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल कर जाएंगी, हो जाएंगी, और हम कहेंगे 2T sin theta by 2 would be equal to m omega square r. अब मैं कहता हूं for small theta sin theta by 2 would be equal to theta by 2. तो मैं इधर लिखूंगा 2t into theta by 2 is equal to m omega square r. 2 से 2 cancelled, t theta is equal to. अब m की जगह पर मैं लिखता हूं capital m by 2 pi into theta. omega की जगह पर मैं लिखता हूं 2 pi n whole square, r की जगह पर मैं लिखता हूं l upon 2 pi. थीटा से थीटा कैंसिल्ड, 2 pi और इधर 2 pi square कैंसिल्ड, और इस तरह से यह टेंशन दिखने लगा m n square l. दिस इज द टेंशन एंड दिस इज द डिजायर्ड आंसर. ध्यान से देखें, विद दैट आई हैड फिनिश्ड दिस चैप्टर न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन. हमने मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, उसके बाद न्यूटन्स लॉ और उसके बाद में फ्रिक्शन चैप्टर और उसके साथ में न्यूटन्स लॉ के सारे डिस्कशन भी कर दिया. अगला चैप्टर अब हमें सर्कुलर मोशन पढ़ना है. न्यूटन्स लॉ का डिस्कशन आते आते हम अल्टीमेटली उस लेवल तक पहुंच चुके हैं इस स्टडी पैकेज में जो प्रॉब्लम्स हैं, और फाइनली जो प्रॉब्लम्स का लेवल टच हो चुका है दैट इज अल्टीमेट लेवल. इनफैक्ट इस स्टडी पैकेज को यदि आप पूरा पूरा सॉल्व कर लेते हो तो IIT JEE में ऐसा कोई न्यूटन्स लॉ पर प्रॉब्लम नहीं बन सकता जिसको आप नहीं कर पाओ. पूरा पैकेज करने के बाद इट्स अ गारंटी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन पर किसी भी तरह का IIT JEE में प्रॉब्लम पूछा जाएगा या किसी भी एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम पूछा जाएगा, आप 100% क्रैक कर सकोगे. आई विश यू ऑल द बेस्ट. यदि आपने सारा पूरा पूरा पैकेज कर लिया है और सारे सारे डाउट्स भी डिस्कशन में आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है. यदि अभी भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स करना शेष हैं, कुछ बाकी हैं, तो आप उन्हें अब कीजिए और फिनिश कर दीजिए इस चैप्टर को और अगले चैप्टर की तैयारी कीजिए. गुड बाय, ऑल द बेस्ट.